योग भगाता है रोग। जी हाँ, इस बात से हम सब भली भांति वाकिफ है और संक्रमण के इस दौर में योग का अपना अहम योगदान है। हमारे साथ स्वामी रामदेव जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम उन लोगों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो लोग दफ्तर जा रहे हैं, यानी कि जिनका काम अब भी जारी है, वो घरों पर नहीं है। ऐसे में वो संक्रमण से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, इस पर आप प्रकाश डालिएगा। और साथ ही अगर उन्हें समय नहीं मिल पाता है, अगर वो दफ्तर में ही मौजूद रहते हैं, उस बीच जो छोटे ब्रेक्स हैं उसमें क्या कुछ योग के जरिए वो करें ताकि उनकी बॉडी और ज्यादा मजबूत हो सके संक्रमण से लड़ने के लिए। कोरोना काल में नेहा जी सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने लंग को मजबूत बनाएं, और लंग को मजबूत बनाने के लिए एक स्पायरोमेट्री की एक्सरसाइज भी बड़ी जबरदस्त होती है। ऐसे इसमें खींचा जाता है और जोर से खींचते हैं, जब ऐसे खींचेंगे तो तीनों के तीनों जब ऊपर खींच करके आ जाते हैं तो इसका मतलब ताकत पूरी लग रही है। जब ऐसे खींचेंगे, ये 10 बार ऐसे कर ली ना तो 10-20 सेकेंड में जबरदस्त एक्सरसाइज हो जाती है। कुछ लोग पूजा पाठ ही तो शंख बजाते थे, मैं तो चाहता हूं सब शंख बजाएं, किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, अपने फेफड़े को मजबूत करने के लिए घर से जाने से, ऑफिस में जाने से पहले एक बार ऐसे शंख बजा लें ऐसे। ऐसे शंख बजा लें, अथवा एक ये दूसरा स्पायरोमीटर होता है, इसमें ऐसे फूंक मार लें। जब ऐसे फूंक मारते हैं तो ये 400 तक आना चाहिए ऐसे। तो ऐसे ये कुछ छोटे उपाय तो मैंने एक लंग की एक्सरसाइज के तौर पर बताए, जो कभी भी कहीं भी किए जा सकते हैं। जब ऑफिस जा रहे होते हैं गाड़ी से, यदि आपकी प्राइवेट गाड़ी अपने कोई ड्राइवर दूसरा है तो आप अनुलोम विलोम पीछे बैठ करके कर सकते हैं। कपाल भाती कर सकते हैं, खुद भी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो, और भस्त्रिका कर सकते हैं। बस कपाल भाती में खाली पेट होना जरूरी है, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम कभी भी किए जा सकते हैं। ऑफिस में जब भी थोड़ा वक्त मिले तो रिलैक्स होने के लिए, मैंने देखा कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग बीच में बियर भी पीते हैं, कुछ लोग और बर्गर पिज्जा खाते हैं, चाय कॉफी आदि पीते हैं। ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को कम करने वाली है, इसलिए जब भी वक्त मिले, आपको 3 से 5 मिनट का भी वक्त मिला, अनुलोम विलोम करें। नेहा जी, ऑफिस में रहते हुए भी जैसे थोड़ा वक्त मिलता है तो उस समय एकदम सिंपल एक्सरसाइज चीजें, गर्दन में कंधों में दर्द हो जाता है, सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन हो जाता है, किसी किसी को तो फ्रोजन शोल्डर तक हो जाता है, तो ये एक्सरसाइज आराम से ऑफिस में भी कुर्सी पर बैठ करके या खड़े होकर के टहलते हुए की जा सकती है। और इसमें खाने का कोई विशेष नियम नहीं है, खाने के बाद कर सकते हैं, किसी भी समय की जा सकती है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कुर्सी पर बैठ के कर लें, खड़े होकर के कर लें, ऐसे टहलते हुए कर लें, कभी भी की जा सकती है एक्सरसाइज ये। फिर ऐसे इस प्रकार से श्वास भरते हुए पीछे से हाथों को ऐसे खींचा, फिर ये ऐसे, और इस प्रकार से ऐसे सामने से हाथों के लिए, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों को एक दूसरे के एंटी प्रेशर दिया, और फिर ऐसे ही कंधों को घुमा लिया, गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं, और ऐसे भी घुमा सकते। किसी किसी को तो काफी दर्द होता है गर्दन में, ऐसे गोल भी घुमा सकते हैं, यदि सर्वाइकल स्पोनाइटिस नहीं है तो, नहीं सर्वाइकल स्पोनाइटिस पेन हो नेहा जी तो आगे ना घुमाएं। ऐसे ये छोटे छोटे उपाय इनको कर सकते हैं। फिर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए 4-5 पोस्चर हैं जो कहीं भी गैलरी में कर सकते हैं, जहां पर भी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 2 मिनट खड़े होकर के ऐसे ताड़ासन कर सकते हैं। ये ऐसे अभ्यास हैं जिसको आप कहीं पर भी गैलरी में, बालकोनी में, या चेयर से खड़े होकर के चेयर पर बैठे हुए भी कुछ अभ्यास कर सकते हैं, वो और बता देंगे। ऐसे ताड़ासन, श्वास भरते हुए हाथों को प्रदान किया, ये तिर्यक ताड़ासन, ये तो ऑफिस टाइम में भी थोड़ा ऐसे लोग
अक्सर अंगड़ाई लेते भी रहते हैं ऐसे ऐसे, तो लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लें तो ये व्यवस्थित योग हो जाएगा। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, और फिर ये कोणासन, और पाद हस्तासन, एक एक अभ्यास को ऐसे आराम आराम से 5-7 बार तक किया जा सकता है इस प्रकार से। और थोड़ा बॉडी माइंड का बैलेंस बनाना है तो वृक्षासन ये बेस्ट है। आजकल तो अक्सर ये पोस्चर देखने को मिलता ही है, तो ऐसे अपना बॉडी का माइंड का बैलेंस बनाएं। और यदि आपके बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस में बैलेंस है, आपके केमिकल्स और हार्मोन्स में बैलेंस है, वात पित्त कफ दोष का संतुलन है, तो फिर आप बीमार तो हो ही नहीं सकते। ये कोरोना त्रिदोषों को बढ़ाता है, सबसे अधिक कफ दोष को बढ़ाता है, और कफ के लिए सबसे अच्छा होता है दूध में हल्दी सिराजी चरप्रास। कफ के लिए सबसे अच्छा है श्वासारी श्वासारी वटी श्वासारी गोल। कफ के लिए सबसे अच्छा है काली मिर्च और बादाम, ऐसे ही चबा करके खा लें। कफ के लिए बहुत अच्छा होता है त्रिकुटा चूर्ण, ऐसे ही ले लें सीतोपराधी चूर्ण। ये छोटे छोटे उपाय जो युगों से हमको पता था हम भूल गए थे, गिलोय और तुलसी, करीब 1 फीट गिलोय की डंडी, ये जो सब रोगों का भगाने वाली एक डंडी है, करीब ये 2 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। ये करीब 2 फीट की डंडी है, पति पत्नी या पूरे पूरा परिवार है तो थोड़ा इतना बहुत है, और इसमें 10-15 पत्ते तुलसी के डालें, इसको अच्छे से कूट करके, और करीब 2 गिलास पानी में पका लें, आधा गिलास बच जाए तो थोड़ा हनी मिला के, बिना हनी के भी पूरा परिवार ऐसे पी सकता है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मैं कह रहा था इसमें कोरोना में कफ दोष बहुत बढ़ता है, वात दोष बढ़ता है, तो गिलोय से भी वात दोष दूर होता है। घर में हल्दी मेथी सूंठ ले ले, और मेथी को अंकुरित करके भी सुबह सुबह खा सकते हैं। और वात दोषों के लिए अश्वगंधा अश्वशिरा, ये 5 अच्छी चीजें हैं जो योगों से हमारे पूर्वजों ने अपनाई थी। और पित्त दोष के लिए तो बेस्ट है एलोवेरा वीट ग्रास और लौकी का जूस। बहुत ज्यादा जिनको पित्त दोष बढ़े हुए तो मोती पिष्टी भी जबरदस्त इसमें काम करती है। तो मैं कह रहा था कुछ खड़े खड़े अभ्यास ऐसे कर सकते हैं, और किसी को ज्यादा ही पहलवानी करनी है तो थोड़े से ऐसे ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लिया तो इससे मजबूती बन जाती है। मैं तो जब भी थोड़ा कभी वक्त मिलता है तो ऐसे 25-50 बार कर लेता हूँ, और इसीलिए 100 साल अभी तो 55 की साल की उम्र में मैं 25 साल के बच्चों के साथ जवानों के साथ दौड़ता हूँ। स्वामी जी, किसी को ज्यादा ही शौक हो, दफ्तर में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़े, कैसे वो इस संक्रमण से लड़ सके, उनके लिए कुछ कारगर और आसान उपाय बताएंगे आप? देखो सबसे आसान उपाय है आप एक बार आगे झुके एक बार पीछे झुके, इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग बोलते हैं। इससे सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, इससे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। एक बार पीछे झुकी और ऐसे, इसको उष्टासन कहते हैं, दोनों हाथ कमर के पीछे लगा लिए, ये अर्धउष्टासन हो गए जिनसे उष्टासन ना हो पाएगा। और आगे झुक गए तो शशकासन हो गया। दो आसन ऐसे बैठ करके, दो आसन लेट करके, उल्टे लेट करके हमने भुजंग आसन किया, ऐसे ऐसे कर ले, अथवा दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके ऐसे कर ले। इसको भी 25-50 बार तक किया जा सकता है, और जिनको बैकेक होता है वो आराम से कर ले। तो उष्ट्रासन, शशकासन, भुजंगासन और मरकटासन, ये 4 आसन तो सभी कर सकते हैं। और जिनकी नाइट ड्यूटी होती है फिर थोड़ा प्रकृति के विरुद्ध तो ये होता ही है, फिर बॉडी एडजस्ट अपने आप को यद्यपि कर लेती है, लेकिन उनको भी घर में सोने से पहले थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेना चाहिए और थोड़ा सांसों पर ध्यान कर लेना चाहिए। यदि सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो फिर फुल बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है, प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पाद हस्तासन, दक्षिणाश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंग आसन,
पुनः पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, ऊर्ध हस्तासन, प्रणाम आसन। ऐसे आगे झुकते समय श्वास बाहर, पीछे झुकते समय श्वास अंदर। खाली 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ली, इतना तो वक्त मिल ही जाता है, और देना ही पड़ेगा इतना वक्त, नहीं तो यदि कोरोना से संक्रमित हुए तो फिर भयंकर कॉम्प्लिकेशंस का दौर शुरू हो जाता है। सूर्य नमस्कार रामबाण दरअसल बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का। स्वामी जी एक मेरा यहाँ पर छोटा सा सवाल है, जो लोग स्क्रीन पर बहुत ज्यादा देर बैठते हैं, स्क्रीन टाइम उनका ज्यादा है, और आप वाकिफ होंगे कैसे आजकल जूम कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल, सब कुछ स्क्रीन को देखकर ही किया जाता है। ऐसे लोगों को आंखों से जुड़ी समस्या ना हो, आंखों में थकावट ना महसूस हो, उसके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? एक उपाय तो नेहा जी बात स्पष्ट है, आंखों की एक्सरसाइज करें। ऐसे देखो, अभी मैं सामने देख रहा हूं, त्राटक भी मैंने बताया था, अभी एक और अभ्यास बता देता हूं। दाईं ओर देखा, ऊपर की ओर देखा, बाईं ओर देखा, फिर नीचे की ओर देखा, ऐसे ये गोल गोल घुमाए, कम से कम 5-10 बार दाईं से बाईं ओर, और 5-10 बार बाईं से दाईं ओर, ऐसे ये अभ्यास करें। रात को त्रिफला, मोटा मोटा त्रिफला रात को भिगो दें, हरड़ बहेड़ा आंवला इसको त्रिफला कहते हैं, रात को त्रिफला भिगो करके उससे सुबह आईवास कर ले, ऐसे मुंह में ठंडा पानी भर के और ठंडे पानी से आंखों को धो ले, पहली और दूसरी उंगली के बीच में पॉइंट इसको दबा लें, अनुलोम विलोम तो उसके लिए रामबाण है ही, और आंवले का चूर्ण खा ले, आंवले का मुरब्बा खा ले, आंवले की चटनी खा ले, आंवले का सोस ले ले, आंवले का अचार खा ले, इस आंवले की चीजें बड़ी लाभ करती है इसमें। और आंखों के लिए रामबाण है, आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2-4 ग्राम, रजत भस्म 2 ग्राम, और जिनको बहुत कमजोरी आंखों में तो रसराज और वसंत कुसुमाकर भी 1-1 ग्राम मिलाकर के सुबह शाम खिला दें तो आंख इतनी जबरदस्त हो जाती है। और एक आंखों का मैं अद्भुत उपाय बता देता हूं, आपने आंख का पूछ ही लिया तो देखो, ये है प्याज, नींबू और अदरक, 1 चम्मच ऐसे, ये अदरक का रस, आप जो मेरे दाई तरफ देख रहे हैं ये अदरक का रस है, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच ये सफेद प्याज का रस, और 1 चम्मच ये नींबू का रस, और इसमें फिर पतंजलि हनी ये हमने मिला दिया 3 चम्मच, ये 3 चम्मच, 1, 2 और 3 बराबर का, माने जितने तीनों मिलाए 1-1 चम्मच इतना। अब ये दृष्टि करके आई ड्रॉप हम इसी से तैयार करते हैं, और इससे हमने लोगों का कैटरे ग्लूकोमा से लेकर के आंखों के डबल विजन, कलर विजन से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से लेकर के तमाम चीजों को ठीक किया है। ये जबरदस्त है, कोई भी घर में बना सकता है। नहीं तो गुलाब जल में सूखे आंवले की कलियां डाल देते हैं, और गुलाब जल के अंदर सूखे आंवले की कलियां डाल दी, फिर एक रात भर रखी, और उसके बाद उसको जो है ऐसे छान करके रख ले, तो ये इससे आंखों को भी धो सकते हैं, इससे आईवास भी कर सकते हैं गुलाब जल से, और इसको आंखों में डाला भी जा सकता है। ऐसे इसको लिया और इसी में आंख को खोल लेते, बंद कर लेते हैं, तो ये जबरदस्त उपाय हैं आंखों के लिए। और आंखों के लिए बेशक ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो उसके लिए रामबाण है ही, और आंवला मैंने बताया ही था। और जो युवा है और स्क्रीन के ऊपर बहुत ज्यादा उनका टाइम लगता है, तो वो शीर्षासन और सर्वांगासन भी अवश्य करें नेहा जी। और मैं तो सबसे कहूंगा इस दरमियान जो जितना सीख सके, सूर्य नमस्कार से लेकर के शीर्षासन, सर्वांगासन से लेकर के भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम, और घर से जाने से पहले गिलोय घनवटी और तुलसी घनवटी, नीम घनवटी अथवा आरोग्यवटी ले लें, जिसमें गिलोय तुलसी नीम तीनों मिले रहते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करने से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएंगे। दौर इस वक्त स्वामी जी चल रहा है जिसमें हर पल हमें एक चुनौती है, कहीं ना कहीं से कोई दुखद और बुरी खबर आती रहती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी की मौत की खबर आती है, ऐसे में लोगों में पैनिक अटैक, एंग्जाइटी अटैक काफी हद तक देखा जा रहा है। इन लोगों को कैसे संयमित करें, कैसे इन्हें नॉर्मल करें,
इस पर आपके तरीके? देखो, सबसे पहले एक प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ मेडिटेशन, और मेडिटेशन के लिए कोई भी आसन में बैठ जाएं, कुर्सी पर बैठ जाएं, जिनसे बैठा ना रहा जाए तो लेट जाए, और लेट करके अपने संकल्प पूर्वक साक्षी दृष्टा भाव से अपने आँखों को, चेहरे को, माथे को ढीला छोड़े। ये तरीका है रिलैक्स होने का, इसको योग निद्रा कहते हैं, इसको सहज ध्यान, सहज समाधि भी कहते हैं, विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान भी कहते हैं, ध्यान योग भी कहते हैं। स्ट्रेस एक तो हमारे तन पर होता है, फिर हमारे मन पर होता है, फिर हमारे प्राणों में होता है, और इससे भी परे हमारी आत्मा है। तो अपने माथे को, आँखों को, चेहरे को ऐसे संकल्प पूर्वक शिथिल करें, और अपने छाती को, फेफड़ों को, पेट पीठ को, हाथों को, थाइम प्रक्षिप्स को ऐसे संकल्प पूर्वक शिथिल छोड़ देते हैं, और सच में उससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं हमारे सारे अंग प्रत्यंग। फिर हम सांसों पर मन को टिकाते हैं, और अपने विचारों को भी दृष्टा भाव से जब देखते हैं तो निर्विचार, निर्विकार, निर्भार, निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। और फिर सांसों के भी परे हमारी आत्मा, और आत्मा से भी परे वो परमात्मा जिसने सारी प्रकृति, ये पिंड और ब्रह्मांड रचा, जो सब ज्ञान का, सब शक्ति, संवेदनाओं का, सब औषधियों का, सब ऊर्जाओं का, सब संबंधों का, सबका मूल स्रोत है, और उसके साथ जब हम एकात्म हो जाते हैं, इसको भगवत शरणागति कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अहम त्वा सर्व रोगेभ्यो, सर्व दुःखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो ऐसे श्वासों के साथ जब अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, या मंत्र जप करते हैं ओंकार का, या ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो नेहा जी, ये ओंकार, एक अक्षर ओंकार का जप, गायत्री महामृत्युंजय का जप, भजन कीर्तन, और ये जी शवासन, योग निद्रा या ध्यान, ये सब हमें तमाम तरह की एंजाइटी से बाहर निकालता है। नेहा जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम ये रामबाण अचूक और बेहद आसान उपाय बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।